हेलो फ्रेंड्स, हंस वाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों का दोस्त वरुण भाई। आज मैं बताऊंगा एंड्रॉयड फ़ोन में मोबाइल डाटा यानी इंटरनेट बटन के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं, इसी के बारे में आज मैं बताऊँगा। सिर्फ आप इसका यूज करते हैं मोबाइल डाटा को ऑफ और ऑन करने के लिए, आप सिर्फ इसका यूज करते हैं। तो आज मैं मोबाइल डाटा के एक ऐसे फीचर्स के बारे में बताऊँगा जो कि फ्रेंड्स ये फीचर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं। तो अगर आप भी इस फीचर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ घंटी के बटन है उसे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे हर अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, तो उस ऐप को डाउनलोड करने में सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसका सेटिंग्स में बता देता हूं। देखिए, तो देख सकते हैं ये ऐप है। देखिए, मैंने ऐप को ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएंगे ऐप का। तो देख सकते हैं, अब आपको देखने को मेरा ग्रांटेड। यहाँ पर आपको इस ऐप को अच्छी तरह से आपको परमिशन दे देना है, तभी आप इस ऐप को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आराम से आप यूज कर सकते हो। तो मैंने इसमें परमिशन दे दिया। इसको आपको यहाँ से आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन के स्क्रीन पे आपको टू फिंगर्स आपको टच करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, दोनों फिंगर को आपको सटाना है। देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीन में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से सटाया, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है विकेट्स। तो विकेट्स पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से आपको इसको स्वैप करना है, इधर लेफ्ट की ओर स्वैप करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा डाटा काउंटर, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इस तरह से आपको इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एड विग्ड, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और देख सकते हैं फ्रेंड्स आपके एंड्रॉयड फ़ोन में ये ऐड हो गए। और इसी के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि आपका एंड्रॉयड फ़ोन में कितना, एक दिन में कितना MB यूज हो रहा है, कितना GB यूज हो रहा है, सब आप पता लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा एंड्रॉयड फ़ोन में अभी तक इतना GB यूज हो चुका है। तो देखिए, अगर आप इसको कल चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको चेंज आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा 21.26 GB आपको देखने को मिल रहा, कल आपको देखने को मिल जाएंगे इससे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कल इससे ज़्यादा आप यूज कर सकते हैं। और वाईफाई के भी आप पता लगा सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा वाईफाई का, मैंने 2 GB यूज किया है अभी तक। तो देख सकते हैं 2.22 GB आपको देखने को मिल रहा है। तो मैंने अभी तक हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में 2 GB ही मैंने यूज किया है। और अगर आप इसके डिटेल्स आप पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप कितना यूज़ किए हैं सब यहाँ पे बता देगा, आप किस में कितना यूज़ किए हैं, अपलोड करने में आप कितना यूज़ किए हैं, डाउनलोड करने में कितना यूज़ किए हैं और टोटल कितना आपका यूज हुआ है, इससे आपको जोड़ करके आपको दिखा देगा। देख सकते हैं, देखिए, तो देख सकते हैं आपका एंड्रॉयड फ़ोन में आप जितना GB या जितना MB आप यूज करते हैं सब इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इसको दूसरा जगह में आप ले जाना चाहते हैं तो इस पर आपको कुछ देर के लिए आपको क्लिक करके रखना है। इसको यहाँ से आप घसीट के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में मैंने लाया। तो देख सकते हैं, इसको आप इस तरह से आप यूज कर सकते हैं और आप जहाँ रखना चाहते हो वहाँ आप रख सकते हो। देख सकते हैं, देखिए, मैंने सबसे लास्ट में रख चुका हूँ। इस ऐप को आप प्ले स्टोर ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखने को मेरा प्ले स्टोर में, आपको प्ले स्टोर में ये सर्च करना है। देख सकते हैं, डाटा काउंटर विग्ड डाटा यूजेज मैनेजर मॉनिटर, इसको आपको सर्च कर लेना है और अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है और इस तरह से आप इसको आप यूज कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। तो आज का वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ घंटी का बटन है उसे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे हर अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चले तो मिलता है अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।